पिछले 10 दिनों में बिहार के मुजफ्फरपुर में प्याज की खपत डेढ़ गुनी हो गई है। इन दिनों बाजार समिति में रोज गुजरात, नासिक और इंदौर से करीब 900 टन प्याज उतर रही है। 10 दिन पहले तक 600 टन प्याज आ रही थी। प्याज कारोबारी कहते हैं कि ठंड के कारण मांग बढ़ी है। प्याज की खपत अब होली तक बढ़ी ही रहेगी। इसके बाद प्याज की खपत में कुछ कमी आ सकती है। दुकानदारों का कहना है कि ठंड के मौसम में प्याज की खपत अधिक हो जाती है। लोग सब्जियों में प्याज का अधिक उपयोग करते हैं। इसके अलावा तली भुनी चीजें भी ज्यादा खाते हैं, इसलिए भी प्याज की मांग लगातार बनी रहती है। बाजार समिति के आलू प्याज समिति के अध्यक्ष का कहना है कि एक ट्रक पर करीब 30 टन प्याज लोड होती है। फिलहाल बाजार में 30 ट्रक प्याज रोज पहुंच रही है। प्याज की कीमत भी बढ़ी हुई है। होलसेल मंडी में प्याज 2800 से लेकर 300 रुपये प्रति क्विंटल तक मिल रही है, लेकिन खपत अच्छी है। होली तक कीमत कम होने की कोई गुंजाइश सामने नहीं आ रही है। ठंड के मौसम में लोग मांसाहार भोजन अधिक कर रहे हैं, इस कारण भी प्याज की खपत बढ़ी हुई है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।